हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इमरान अली, और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। के आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है और इनका जो है वो दायराकार क्या है। तो बात हम करते हैं 1930 के ग्रेट डिप्रेशन की, कि दुनिया में एक बहुत बड़ा बहरान आया, जिसको 1930 का बहरान यानी ग्रेट डिप्रेशन 1930 कहते हैं। तो उससे पहले पहले माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। लोगों को कुछ नहीं पता था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। लोग इन वर्ड से नावाकिफ थे। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के बाद दुनिया ने एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली कि जो उस वक़्त के माहरीने मुआशियात थे उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इकोनॉमिक्स को मैक्रो और माइक्रो दो हिस्सों में तकसीम किया जाए। तो फिर एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जो हैं, उन्होंने सबसे पहले 1933 में ये अप्रोच जो है वो जारी की, जिसमें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है वो अलग-अलग अलग-अलग दो सब्जेक्ट यानी दो ब्रांचेस जो हैं उनमें कन्वर्ट कर दिया गया। अब हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। अच्छा, लफ्ज़ माइक्रो, लफ्ज़ जो ये ऊपर मैक्रो लिखा गया, इसको आपने माइक्रो जो है वो कंसिडर करना है। लफ्ज़ जो माइक्रो होता है, इसका मतलब होता है छोटा, यानी किसी चीज़ का छोटा सा पार्ट। ठीक है, इसका मतलब है किसी चीज़ का छोटा सा पार्ट। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे, तो फिर हम किसी कंट्री की इंडिविजुअल जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। जैसे कि इसने एक डेफिनेशन दी है, इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस डिसीजन। कि ये आप इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, कोई घर का जो है वो इकोनॉमिक्स है, यानी कि किसी इकोनॉमी के इंडिविजुअल जो यूनिट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई मार्केट है, ठीक है, कोई शॉप है, कोई हाउस होल्ड है। तो जब इन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, इन चीज़ों के बारे में जो है वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वो कहलाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किन किन चीज़ों पे बहस करती है, उनमें सबसे पहले आ जाती है इंडिविजुअल मार्केट्स। यानी फॉर एग्जांपल कोई गल्ला मंडी है, ठीक है, अनाज की मार्केट है, कोई सराफा बाज़ार है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, यानी कि इंडिविजुअल मार्केट्स जो है उनकी उनके जो है हम स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। अफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ गुड, एक गुड है, एक शय है, उसकी प्राइस इफेक्ट जो है उनके जब मतलब हम स्टडी करेंगे तो वो भी माइक्रो में करेंगे। इंडिविजुअल सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर की, इंडिविजुअल फर्म की जो सप्लाई एंड डिमांड है वो भी माइक्रो में शुमार की जाएगी। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर है, किसी कंज्यूमर का जो, किसी सारफ का जो रवैया है, उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे एनी इंडिविजुअल वन के, तो वो भी माइक्रो में करेंगे। इंडिविजुअल लेबर मार्केट जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के में करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी इकोनॉमी के इंडिविजुअल पार्ट्स जो हैं उनके बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है वो फैसलाबाद जो है, उसके बारे में, उसकी मार्केट के बारे में हम जो है वो जब स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो होगी। ठीक है, किसी फैक्ट्री के बारे में, सतारा टेक्सटाइल के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। पेट्रोल की प्राइस जो है एक सिटी के अंदर अगर उसको देखा जाए तो वो जो होगी वो भी माइक्रो होगी। अगर जो है वो लेबर की जो है वो डिमांड सप्लाई है,
एक सिटी के अंदर है, एक फैक्ट्री के अंदर है, एक मार्केट के अंदर है, तो वो भी क्या होगी, माइक्रो में कंसीडर की जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में जो स्टडी की जाएगी, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की जो ब्रांच माइक्रो यानी के जो इंडिविजुअल फर्म्स एंड बिजनेस के बारे में स्टडी करती है, उसमें हम इनको काउंट करेंगे। अब हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ, ठीक है। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वो क्या चीज़ है, लफ्ज़ मैक्रो जो है इसका मतलब होता है कोई बड़ा हिस्सा यानी कोई बड़ा पार्ट, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, डिसीजन ऑफ कंट्री एंड गवर्नमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि हम इकोनॉमी को एज ए होल स्टडी करते हैं, पूरी इकोनॉमी को, पूरी मुईशत को, पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको हम जब स्टडी करेंगे तो वो आ जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसी गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, प्राइस लेवल है, उसको हम जब हम एज ए इकोनॉमी देखेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रशिया की इकोनॉमी जो है उसको जब स्टडी कर रहे हैं तो फिर हम मैक्रो का यूज़ करेंगे। जब हम अमेरिका की इकोनॉमी का जो है वो स्टडी कर रहे हैं तो वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। जब हम पाकिस्तान की स्टडी के बारे में स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, तो हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। यानी कि पूरी इकोनॉमी को इंटायरली तौर पर एज ए होल जब स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। इसमें हम होल इकोनॉमी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन चीज़ों को जब हम जो है वो स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन जनरल प्राइस लेवल है, इन्फ्लेशन अब महंगाई जो होती है ये एक पूरी मुईशत जो है उसका जो है वो प्रॉब्लम होता है, तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी की जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट है मुल्क में आ गई है, किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट है। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, अच्छा अब एग्रीगेट और इंडिविजुअल में फ़र्क है। इंडिविजुअल का मतलब होता है मार्केट की, पर्सन की या एक बिजनेस की, जब एग्रीगेट का मतलब होता है एज ए होल। एग्रीगेट जो है वो इसका जो है वो समीशन है पूरे का, ठीक है, सब माप है कि पूरी जो मुल्क की डिमांड एंड सप्लाई है, लेबर की है, किसी भी चीज़ की है, तो वो भी मैक्रो में आएगी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, कि किसी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या है, जब उसके बारे में हम नॉलेज हासिल करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स कराएगी। तो दोस्तों ये था एक लेक्चर मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से। तो आप दोस्त जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो जो हैं वो भी आसानी से मिल सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।